दोस्तों, मेरा नाम अमरजोत सिंह है। मैं स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन लोकली अप्लाई करता हूँ। काफ़ी सारी एप्लीकेशन असं कर चुके हैं पिछले 2 साल के दौरान, तो साढ़े को एक टीम है पूरी जी पेपर वर्क में तैयार करती है, तो नाल इंटरव्यू की भी तैयारी करती है। एक केस मैंने उन्होंने दसिया, इंटरव्यू किसी का होया, वो साढ़े थ्रू नहीं, किसी के थ्रू आए, रेफर होके रिफ्यूज़ हो गए। इंटरव्यू में की कुछ होया, उन्होंने कैप्सटोन सानू दिते, वो कैप्सटोन तुहानू मैं दिखाने लग्या कि भाई किन्ने ज़्यादा हद की इग्नोरेंस है, किस तरह के लोग हैं जिहड़े ये सोच रहे हैं कि इन्हों इस सरकमस्टेंसेस विच भी वीज़ा मिल जाएगा। इंटरव्यू जब होंदा है तो बहुत ही एक तरीके नाल वो ठोक बजा के चेक करते हैं कि भी जेन्युइननेस है कि नहीं है। सो देखते हैं कि इन्हों के इंटरव्यू की पूछेगा। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट जी ब्लैक फेस करती है कि भी तुम प्राइवेसी ना ब्रीच हो जाए उन्होंने। इंटरव्यू होया न्यू दिल्ली 2020 होया इंटरव्यू, न्यू दिल्ली होया इंटरव्यू। इंटरव्यू वॉज इन पंजाबी। एप्लीकेंट ने कहा, जिन्हों का इंटरव्यू होया सी हस्बैंड से, उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर मेरी वाइफ है, मास्टर डिग्री इन बिजनेस पढ़ रही है एट सम यूनिवर्सिटी। उन्होंने अगला इतने हूँ मैं इस सवाल पर आ गया, लाइन नंबर 3 पर आ गया। वेन आस व्हाट सब्जेक्ट स्पॉन्सर स्टडी, कि सब्जेक्ट स्पॉन्सर तारी पढ़ती है। उन्होंने नाम नहीं पता सब्जेक्ट का, करेक्ट नाम नहीं पता, ना उन्होंने सब्जेक्ट बारे इन्फॉर्मेशन पता। फिर दूसरा पूछा कि भी स्पॉन्सर दे वाइफ दे जीपीए किन्ने आए पिछले सेमेस्टर। उन्होंने कहा कि भी वो तो इंग्लिश से हैं, और शायद उन्होंने इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगी या पता नहीं होगा, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया होगा शायद। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भी तुहाडे ग्रेड पॉइंट एवरेज उन्होंने पिछले स्टडी विच किन्ने सी, ते उन्होंने हस्बैंड ने कहा कि भी उहदी एजुकेशन बहुत थोड़ी है, उन्होंने समझ नहीं आता, कॉम्प्लीकेटेड टर्म्स ये सारे समझ नहीं है। फिर उन्होंने ये किया, एप्लीकेंट ने कहा कि भी अरे मैरिज तो अरेंज मैरिज हुई है, एप्लीकेंट दी हस्बैंड दी इन एजुकेशन है 10th पास, ते वाइफ पढ़ रही है मास्टर डिग्री ली। ते एप्लीकेंट ने कहा कि भी ये एप्लीकेंट ने दस नहीं सके, एप्लीकेंट दस नहीं सके कि भी ये मैरिज हुई किस तरह, क्योंकि मैरिज एजुकेशन का इतना ज़्यादा फर्क आ गया। ते दूसरा 9 साल का गैप भी है, 9 ईयर्स बिटवीन हिम एंड द स्पॉन्सर इंस्टेड ऑफ यूजल 2-3 ईयर्स गैप। मैं एक्चुअली सारे क्वेश्चन तुहानू पढ़ के सुना रहा, पर तुसी इस वीडियो नू पॉज करके तुसी क्वेश्चन अपने आप पढ़ सकते हो, जस्ट इन केस अगर अगर स्क्रीन ते तुसी इस स्टॉप करके देखना है। ते मैरिज हुई है, मैं डेट ब्लैक करती है, ते स्पॉन्सर 14 दिन दे बाद ही चली गई, मैरिज दे बाद 14 दिन 2 हफ्ते बाद चली गई कैनेडा। डिस्पाइट रिपीटेडली क्वेश्चनिंग द एप्लीकेंट ऑन व्हाई द पेरेंट हेस्ट इन द मैरिज आफ्टर स्पॉन्सर रिसीव द वीजा जस्ट 2 वीक्स बिफोर एंड शॉर्ट कोहैबिटेशन। इनफैक्ट मैरिज तो 2 हफ्ते पहला वीज़ा आया सी, ते मैरिज के बाद 14 दिन वो रहे उत्थे, उन्होंने नाल हस्बैंड वाइफ रहे। हस्बैंड कोई रीजन नहीं सी, ही कैप्ट ऑन रिपीटिंग डैट हिज एल्डर ब्रदर गॉट मैरिड इन फलाना फलाना टाइम एंड ही वॉज द यंगर एंड एल्डर ब्रदर वॉज टू गेट मैरिड फर्स्ट। बस यही बार बार कहते रहे कि भाई वे भरा पहला मैरिज होनी सी, उसके बाद मेरा नंबर आ गया। गैसट अटेंडेंस, गैसट किन्ने लोग आए, भी 100 लोग आए हैं। वीजा ऑफिसर ने कहा कि भी मैं उन्होंने दसिया कि भी आ मेरे कंसर्न है, हेस्ट मैरिज जल्दबाजी की मैरिज क्यों हुई है, तो नाल हस्बैंड वाइफ रहे नहीं, इन्नी इनकंपैटिबिलिटी है, लार्ज इनकंपैटिबिलिटीज इन एज एंड एजुकेशन एंड स्केची डिटेल्स ऑफ द रिलेशनशिप। एप्लीकेंट ने कहा ही शुड बी गिवन अ वीजा एज द स्पॉन्सर वॉज वेरी सैड विदाउट हिम। देखो मेरी गल सुनो, वाइफ अगर सैड है तुहाडे बगैर, तो तुसी मैनू कहंदे हो कि भाई मैनू वीजा दे दो, तुसी दस ते रही नहीं कि तुहाडी मैरिज हुई क्यों है, जेन्युइन मैरिज है, ये जिहड़े लक्षण है सारे, ये सारे जिहड़े इनफॉर्मेशन तुहाडे सामने है, तुसी आप सोचो ये जेन्युइन मैरिज दे एक सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ना हस्बैंड नू अपने वाइफ दे बारे पता, ना हस्बैंड नू वाइफ दे बारे एजुकेशन दे बारे पता, ना हस्बैंड नू ये नहीं पता कि भी ये साडी मैरिज इन्ने एज गैप करन दे बाद क्यों हो गई, उहदे बाद मैरिज हो गई, तुहाडे गैसट 100 गैसट आए हैं करीब, ते अपना फिर तुसी नाल कट्ठे नहीं रहे। मैरिज तो 2 हफ्ते पहला वीजा आया उन्हां दा, ये तो सारा ही दस रहा कि भाई सारी मैरिज ही फेक है। तुसी कही जाओ कि मेरी वाइफ मेरे बगैर उदास है जी, साडा जी जेन्युइन मैरिज है, साडा जी लव जी बहुत स्ट्रोंग है, पर इतने हालात तो शो नहीं कर रहे ना कि भाई तुहाडी मैरिज जेन्युइन है कि नहीं है। सो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल कि भाई बोनाफाइड्स ऑफ मैरिज कितना वीजा ऑफिसर चैक कर सकते हैं, तुहाडे सामने ही है इन्फॉर्मेशन। तुसी ये सोच लो, अगर ये सारे जिहड़े फैक्टर्स है, अगर तुसी भी सोच रहे हो कि अप्लाई करना है, अद्धे भी फैक्टर्स तुहाडे एप्लीकेशन विच है, ते तुहानू वीज़ा मिलना मिलना कोई चांस नहीं है। सो अल्टीमेटली एप्लीकेशन रिफ्यूज़, उन्होंने वड्डे बोल्ड लेटर्स लिखता कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड ऑफ ऑन गोइंग रिलेशनशिप विद स्पॉन्सर एंड दैट इज इट। एक एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इंटरव्यू एक बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव चीज़ है। अगर इंटरव्यू तुहाडा आया तो यदा मतलब ये सोच के चलो कि भी तुहाडा इस तरह का
एक इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू होना है कि सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करनी है उन्होंने, एंड देन दे विल, इफ दे आर हैप्पी देन दे विल. पर इस तरह ना करो, ए दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉन जेन्युइन रिलेशनशिप जिहड़े तुसीं वीजा अप्लाई करदे हो. सो इस तरह वीजा नहीं मिलते. थैंक यू वेरी मच. अपने कॉमेंट्स जरूर दिओ, तुहाडा एक्सपीरियंस की है, जे तुहाडा इंटरव्यू होया तुहाडे नाल की कुछ पुछे उहदे बारे दसो. जेकर इंटरव्यू तुहाडा आ रहा है, अगर स्केड्यूल हो गए हो, उहदे बारे भी साडे तो ट्रेनिंग लै सकते हो अगर इफ यू वॉन्ट टू. अगर जे नहीं लैना कोई कोई गल नहीं, ते कईआं दे इंटरव्यू ट्रेनिंग लै के उहनां नूं वीजा अज मिल चुके हैं ते अज ओह कनेडा बैठे हुए हैं. थैंक यू वेरी मच. आई होप टू सी योर कॉमेंट सून ऑन दिस टॉपिक.